यहाँ के जो विधायक रहे हैं उन्होंने 350 करोड़ से ऊपर के कामों की एक झूठी बात जनता के बीच में रखी। मैं ये स्वयं नहीं बोलता, जनता बोल रही है। सबसे बड़ा हथियार है, अगर किसी को हमको जीवन में एक मजबूत बनाना है, उसे मजबूती से आगे ले जाना है, अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो निश्चित ही वो प्रश्न करेगा। और प्रश्न करने वाला व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो, चाहे सामने खड़ा मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उससे अपना काम करवा लेगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ब्रांड एशिया न्यूज पर। मैं हूँ शाहीन खान। चुनावी बिगुल बज चुका है। जी हाँ, विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही प्रत्याशियों की उहापोह और जो रणनीति तैयार करने का दौर है वो चलता रहा। फाइनली आज है 28 तारीख, कुछ ही दिन बचे हुए हैं अभी मतदान होने के लिए। और इस दौरान जो है पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन भी भर दिया है। हम बात करेंगे अगर दुर्ग ग्रामीण की। जी हाँ, दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र जो है प्रदेश का सबसे वो क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि राज्य के गृह मंत्री का ये विधानसभा क्षेत्र है। और हाल यहाँ पर से जो आम आदमी पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से संजीत विश्वकर्मा। राजनीति पारी में इन्होंने काफ़ी अपनी कार्यकुशलता दिखाई हुई है और अभी ये आम आदमी पार्टी से दुर्ग ग्रामीण का नेतृत्व आम आदमी पार्टी का कर रहे हैं। चंद सवालात हम चुनाव मुद्दे को लेकर इनसे करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोगों ने मुझे अपने चैनल ग्रैंड एशियन न्यूज़ पे बोलने का मौका दिया है। किस तरह की रणनीति है आपकी? देखिए, रणनीति कोई हमें विशेष तौर पे बनानी नहीं पड़ती है। आम आदमी पार्टी जब भी इलेक्शन में उतरती है, किसी जगह पर प्रत्याशी अपने उतारती है, वहाँ पे जनता पहले से तैयार होती है कि वहाँ पे वोट करना है, इस बार बदलाव करना है और आम आदमी पार्टी को चुन के लाना है। तो निश्चित ही इस चीज़ को पहले से जनता ने मुझे प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे डिक्लेयर करवा के ये चीज़ को निर्धारित कर दिया है कि इस बार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में आम आदमी पार्टी की जो सीट है वो फिक्स की जा चुकी है पहले से ही। जीत कल का जो एक नामांकन के समय माहौल था, उस माहौल को देखने से ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका कि जब एक साधारण से व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसे कोई जानता भी नहीं, उसके लिए अगर संख्या 1500 से ऊपर पहुंच जाती है तो फिर ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है जनता का कि उन्होंने इस बार दुर्ग ग्रामीण में बहुत ही मतों के अंतर से हमें एक जीत दर्ज दिलाने का वादा और एक कॉन्फिडेंस हमें मिला है और इस बार जनता के इरादों पर, उनके वादों पर खड़े उतरेंगे। दुर्ग का जो ग्रामीण क्षेत्र है काफ़ी उपेक्षा में रहा है। हाल ही में नगर निगम का गठन होने के बाद भी यहाँ पर 13 में से 40 वार्ड बने और विकास की दृष्टि से देखा जाए तो आपका क्या नज़रिया है? देखिए, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में जैसा कि ग्रामीण इलाके भी हैं, एक नगर निगम है, एक नगर पंचायत का भी क्षेत्र है। रही बात की रिसाली नगर निगम, हाल ही में अभी बना है रिसाली नगर निगम क्षेत्र में 40 वार्डों में जहाँ पे यहाँ के जो विधायक रहे हैं उन्होंने 350 करोड़ से ऊपर के कामों की एक झूठी बात जनता के बीच में रखी। मैं ये स्वयं नहीं बोलता, जनता बोल रही है कि जहां भी काम हुए हैं वहां पे लगातार भ्रष्टाचार हुए हैं। 4 लाख के काम हुए हैं, 15 लाख का बिल पास हुआ है। जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है और यहां सिर्फ नगर निगम की बात नहीं, पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइए तो गाँव की सड़कें, गाँव की गलियाँ आज भी इस तरह से बदहाल हैं कि लोग मजबूरन कीचड़ मिट्टी धूल में चलने को मजबूर हैं कि उन्हें उस रास्ते के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं उनके पास। इस बार जनता समझ चुकी है कि काम करना जो यहाँ के स्थानीय विधायक थे उनके बस की बात नहीं है और निश्चित इस बार उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए, ऐसा एक विश्वास पात्र व्यक्ति चाहिए जो कि उनके भरोसे पे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सके। और जनता का जिस तरह प्यार मुझे मिल रहा है, एक आम मतदाता का जिस तरह प्यार मुझे मिल रहा है, ये सुनिश्चित है कि इस बार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में और कोई भी दल हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी अन्य दल हो, उनको बिल्कुल पूरी तरह से सफाया है। हम आपको बता दें कि अहंकार अगर अभी कांग्रेस भाजपा को होगा तो सुने इस बात का सिर्फ अहंकार हो सकता है कि उनके पास पैसा हो। हमें इस बात का अहंकार है कि हमारे पास जनता का आशीर्वाद है और हम इसे अहंकार भी नहीं कहेंगे। ये हमारा एक मनोबल है कि जनता ने हमारा मनोबल बढ़ाया। तो वो पैसे का अहंकार तो क्षणिक मात्र होता है, जनता का आशीर्वाद निश्चित इस बार मिला हुआ है और इस बार आम आदमी पार्टी दुर्ग ग्रामीण से जीत दर्ज कर रही है।
मुद्दे क्या क्या रहेंगे? जैसा कि आपने बोला कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नाली और कीचड़ का माहौल रहा है, आपके मुद्दे क्या क्या रहेंगे? ग्रामीणों की क्या मांग है जिन पर आप खरा उतरते हैं? देखिए, ध्रुव ग्रामीण में ऐसे बहुत से कार्य हैं जो किए जाने थे, नहीं हुए। लोगों को सिर्फ वोट के नाम पर ठगा गया, वोट लेने की नीयत से उन्हें प्रलोभन देकर वोट लिया गया। आपको बताना चाहता हूँ कि जनहित की बात जहाँ तक देखा जाए तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मात्र सड़कें ही नहीं होती, और सड़कों की भी वो स्थिति है कि सड़कों का भी जो निर्माण हुआ है उसके भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं उजागर होता हुआ नजर आता है। तो जनता की जो सुख सुविधाओं की बात है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोई विशेष वर्ग नहीं होना चाहिए, उसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, एक यूथ, हर किसी का योगदान होता है। सिर्फ एक अकेले से आप विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को आप खुश नहीं रख सकते, या फिर उनके जनहित का जो पैसा है उनके हित में पहुंचा नहीं सकते। अगर आपको काम करना है, जो काम अधूरे हैं, निश्चित ही हमारी गारंटी पत्र जो 1 तारीख को हम जारी करने वाले हैं ध्रुव ग्रामीण विधानसभा की, उस गारंटी पत्र में वो सारी बातें शामिल होगी, क्योंकि हमने जनता से सर्वे करके जनता के अनुसार, जनता के चाहे अनुसार हमने गारंटी पत्र जारी किया है और वो निश्चित आपके सामने होगा। जैसा कि आपने घोषणा पत्र की बात की, 1 तारीख को आप जारी करेंगे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से हैं और उन्होंने शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया है। दिल्ली जैसे राजधानी में उन्होंने शिक्षा का अलग जगाते हुए एक अलग पहचान बनाई है अपनी शिक्षा के लिए। आप जो ये ग्रामीण क्षेत्र है उपेक्षाओं से घिरा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपके घोषणा पत्र में उसको कितना महत्व दिया जाएगा? देखिए, केजरीवाल जी ने 9 गारंटियाँ पूरे प्रदेश भर के लिए पहले ही जारी की हुई हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, बुजुर्गों के लिए और एक तीर्थ यात्रा की व्यवस्था, इस प्रकार की 9 गारंटियां हैं, जिसमें कि शहीदों के सम्मान से लेकर अन्य ढेर सारी बातें, जिसमें छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार मुक्त होने की भी गारंटी आम आदमी पार्टी ने दी है। इन सारी चीज़ों को करने के पीछे जो सबसे मुख्य हमारा एक फोकस होता है वो शिक्षा। सबसे बड़ा हथियार है अगर किसी को हमको जीवन में एक मजबूत बनाना है, उसे मजबूती से आगे ले जाना है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो निश्चित ही वो प्रश्न करेगा, और प्रश्न करने वाला व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो, चाहे सामने खड़ा मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उससे अपना काम करवा लेगा। तो हमारा फोकस बेसिकली शिक्षा पे होता है। समान शिक्षा देने का हमारा एक जो वादा है, जो गारंटी है, उसे धरातल पे उतारेंगे हम, दे के दिखाएंगे। दिल्ली में आप देखिए, अभी हाल में ही 1.5 महीना पहले 32 छात्रों का शासकीय स्कूल से NDA में सिलेक्शन होता है। उसी के तर्ज पे देखा जाए, छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूल बनाया गया, लेकिन गरीबों के बच्चों को उसमें मौका नहीं मिला। PSC का सिलेक्शन हुआ, जिसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा उजागर होकर जो सामने आया कि एक भी गरीब परिवार का बच्चा PSC में सिलेक्ट होकर नहीं आया, जिन्होंने कई सालों से तैयारियां की थी, तैयारी करके बैठे हुए थे, वो बच्चे सारे कहीं ना कहीं उस अधिकार से वंचित रह गए। PSC में उनको नियुक्ति नहीं मिली, उन्हें का भर्ती होने का मौका नहीं मिला। उसमें क्या, अगर PSC में भर्ती होना है तो हर किसी को विधायक बनना पड़ेगा, हर किसी को बड़ा पदाधिकारी बनना पड़ेगा, तब PSC में सिलेक्शन होगा? ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए सभी को एक समान शिक्षा देने की गारंटी दी, और ये बिल्कुल ध्रुव ग्रामीण विधानसभा में ये जिम्मेदारी मुझे मिली है, ये मैं बिल्कुल करके रहूँगा। इस आपका सामना ध्रुव ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसे कद्दावर शख्सियत से है जो कि राज्य के गृह मंत्री भी हैं, कैसा बताते हैं इसको, कितना चुनौती मानते हैं? देखिए, गृह मंत्री वो अभी है नहीं वर्तमान में, अभी वो एक प्रत्याशी हैं जैसा कि मैं हूँ। और रही बात कि वो अगर चुनौती मेरे सामने पेश करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जनता के लूटे हुए पैसों से पेश कर सकते हैं, ये जग जाहिर है, लोग जानते हैं। और अब ये लोग बोलेंगे कि भाई आप उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, आरोप लगाने के लिए हमारे पास सबूत है, बिना सबूत के हम कोई बात नहीं करते। ये निगम, नगर निगम रिसाली जीता जागता और सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पे करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके कई सारे प्रमाण है, जनता हमारे पास प्रमाण है। आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे सामने एक प्रत्याशी से बड़ी उनकी कोई हैसियत नहीं है, मैं उनको प्रत्याशी समझता हूँ, जैसे कि एक आम कोई अन्य भी दल का निर्दलीय भी खड़ा होता है उसे भी उसी नज़र से मैं देखूंगा, वो सिर्फ एकमात्र प्रत्याशी है मेरे लिए। और कोई गृह मंत्री रहे होंगे, जब आगे कोई होगा वो गृह मंत्री होगा। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस बार आप अपने ध्रुव ग्रामीण विधानसभा के लिए ऐसा नेता चुने जो आपके दुख सुख में 24 घंटे आपके साथ खड़ा हो सके, आपके दुख तकलीफ को समझ सके, आपकी भावनाओं को जान सके। और ये जो हमारी गारंटी पत्र जारी हम 1 तारीख को करने वाले हैं ग्रामीण विधानसभा के लिए, आप निश्चित ही उसमें आप देखिएगा कि जो मैंने गारंटी पत्र यहाँ ग्रामीण विधानसभा के लिए जारी करने का मैंने जो एक प्लान बनाया हुआ है, उसमें देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने जनहित
का सारा बात उसमें लिखा हुआ है और जनता को मजबूत और सुरक्षित करने का सारी बात उसमें लिखी हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक मौका जरूर आप दीजिए मुझे आपके बीच काम करने का, इस तरह से काम करने का कि अगर आप मुझे तनख्वाह दे रहे हैं तो ना कि मैं आपका नेता, एक सेवक बनकर, एक नौकर बनकर आपका काम करके दिखाऊं। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजीत विश्वकर्मा जी, हाँ दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से ये प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से, और ये दावा करते हैं कि जो बदलाव की बयार है यहाँ ला कर रहेंगे, और लाखों का जो भ्रष्टाचार और अनदेखी का इन्होंने आरोप लगाया है और उसका पटाक्षेप भी किया है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में, इन 15 दिनों में क्या समीकरण बैठता है, जनता की क्या राय होती है, जनता का झुकाव किस होता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रैंड एसी।